मेरी नाम दिलशदा फयाज है और मैं अभी राइट नाउ 36 ईयर की हूँ। सुपर मॉम इसलिए मुझे बोलते हैं क्योंकि मैं दो बेटियों की माँ हूँ, तो मेरी दोनों बेटी इधर ही एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए मुझे सुपर मॉम कहते हैं। असल में हमें हो गया नियर अबाउट 3 ईयर, मगर बीच में हमें 2 साल की गैप हो गई थी लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से, तो कंटिन्यू हम 1 साल से कर रहे हैं। पहले तो मैं यहाँ पे एज ए गाइडेंस आती थी बच्चों को लेके, तो सर ने मुझे एक दिन बोला कि आप ही प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जब मैंने हस्बैंड को बोला, उन्होंने बोला हाँ आप करो, मैं राज़ी नहीं थी मगर उसने नहीं माना, उन्होंने बोला नहीं आप भी इनके साथ प्रैक्टिस करो, इससे इनको भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। 2011 में मेरी शादी हो गई। मैंने मास्टर किया है संस्कृत में और मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बीलीव भी किया। हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ, हमारी फैमिली बिजनेस है, मेरे हस्बैंड की टूर एंड ट्रैवल है, तो उसमें मैं उनका हेल्प करती हूँ। दिक्कत तो होती है क्योंकि यहाँ पे घर का काम होता है, इनकी पढ़ाई प्रैक्टिस टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा टफ होता है मगर निकालती हूँ। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं पूरा, इसी वजह से हो पाता है। घर पर भी जब तक मैं नहीं करती हूँ तो ये भी नहीं प्रैक्टिस करते, तो घर पर भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है इनके लिए। बच्चों का तो मैं चाहती हूँ कि ये मार्शल आर्ट में बहुत आगे जाए, ये मैच खेले। कुछ दिन पहले भी पहला मैच हम लोगों ने खेला, मैंने भी खेला, इसने भी खेला, तो मैं चाहती हूँ कि ये जैसे पढ़ाई है वैसे ये भी है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई से ये कुछ कम है। जैसे पढ़ाई इनके लिए इम्पोर्टेंट है, मार्शल आर्ट भी इनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ये तो मेरी कोशिश है, आगे तो इनका मेरी कोशिश रहेगी कि मार्शल आर्ट में भी अपना फ्यूचर बनाए। मेरी बड़ी बेटी को वहाँ पे ब्रॉन्ज मिल गया और मुझे सिल्वर मिला। तो असल में मेरा पहला मैच था तो मैं थोड़ी नर्वस थी। मैं यही बोलना चाहूँगी कि शादी हो गई, बच्चा हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को बस घर के अंदर अपने किचन में अपने घर की झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े धोना इन्हीं में अपने आप को नहीं बांध रखना है, ये भी करना है और उसमें से अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है, क्योंकि वो सब कुछ हम घर के लिए, हम भी घर के पार्ट हैं, वो हम घर के लिए करते हैं, मगर एज ए वुमन उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं रह जाती है, तो अपने लिए भी कुछ करना चाहिए जो वो खुद के लिए हो, जैसे वो खुद भी फिट रहे। यहाँ पे खाली एक ही चीज़ नहीं है कि हमसे, उससे वो फिजिकली भी फिट रहेंगे। आज फिजिकली फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।